जय हिंद दोस्तों। सैनिकों के धरने के 130 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, सरकार के कान में जू तक नहीं रह रहा है। अब सैनिकों के पूर्व सैनिकों का जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है। पूर्व सैनिक अब संसद का घेराव करने जा रहे हैं, इस पर बड़ी अपडेट है। बता दें, जवानों ने जो जेसीओ वार पूर्व सैनिक संगठन है उन्होंने ऐलान कर दिया है, ओआरओपी 2 एमएसपी डिसेबिलिटी पेंशन प्रीमेचर एमएससीपी कई विसंगतियों को लेकर जो धरने पर बैठे थे जवान, अब उन्होंने सरकार को एक सुझाव दिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि संसद का घेराव किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो संसद का घेराव करने जा रहे पूर्व सैनिक कब करेंगे, कितनी तारीख को, कितने बजे करेंगे, तो उसका ऐलान कर दिया गया है। उससे पहले बता दें कि केंद्र सरकार अब इस पर क्या करेगी, जब पूर्व सैनिक के सब्र का बांध टूट गया है। अब आप देख सकते हैं, पूर्व सैनिक 2 जुलाई पूर्व सैनिक जेसीओ और जवानों के लिए अहम, सैनिक अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल करेंगे। और उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि पूर्व सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं, इसमें जो उनकी विसंगतियों की मांगे हैं उनकी पूरी नहीं हो रही है, ना तो सरकार इन पर बात कर रही है और ना ही इस पर कोई संज्ञान ले रही है। 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, लगभग 130 दिन हो गए हैं धरने के, उसके बाद भी कोई सरकार का प्रतिनिधि उनसे मिला नहीं है और ना ही उनकी मांगों को रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई 2023 को पूर्व सैनिक भूख हड़ताल करेंगे, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो ये भूख हड़ताल 10 बजे से 4 बजे तक चलेगी। सरकार भूख हड़ताल पर अगर बात मान लेती है तो उनको इस पर ही रुक जाएंगे, नहीं तो आगे उन्होंने एक ऐलान और कर दिया है कि 23 जुलाई 2023 को सुबह, जो इसमें कहा गया है कि अनिश्चितकालीन संसद का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। ये फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का कहना है कि 2 जुलाई को भूख हड़ताल होगी और अगर 23 जुलाई तक सरकार ने बात नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन संसद का घेराव करने में बाध्य होंगे। यानी कि अब सैनिकों ने, जेसीओआर संगठन फेडरेशन ऑफ वेटरन्स ने ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम ऐसा धरना करेंगे जो सैनिकों ने आज तक नहीं किया है। यानी कि संसद का घेराव जैसा, ऐसे काम कभी सैनिकों ने नहीं किए हैं, रिटायर्ड सैनिकों ने, लेकिन पहली बार ऐसा काम करने जा रही है। और ये 23 जुलाई को ऐलान किया गया है कि 23 जुलाई तक हमारी बातें माननी होंगी सरकार को, नहीं तो ऐसा काम करेंगे कि संसद का घेराव करेंगे। और इसमें ये भी कहा है कि हमारी मांग है कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए जो कि हमारी मांगे रखे और उनके द्वारा हमारी सुनवाई की जाए। रिटायर्ड जज होंगे तो इनको भरोसा है कि हमारी बातें मानी जाएंगी। इसमें यह भी कहा गया है 23 जुलाई 2023 की रैली के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में भूतपूर्व सैनिक इकट्ठा हों। हालांकि भूतपूर्व सैनिकों के जंतर मंतर पर चल रहे धरने को कई संगठन समर्थन दे चुके हैं, लगभग 101 संगठन इसको समर्थन दे चुके हैं और बड़ी संख्या में 23 जुलाई को इकट्ठा होने वाले हैं और अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो संसद का घेराव करने जा रहे हैं। ये अभी तक बड़ी खबर है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।